फ्रेंड्स कहते हैं कि वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिन्हें हदायत नसीब हो जाती है, और वो लोग जो अरूज पार होते हुए भी दीन के रास्ते पर चलते हुए अपनी सलाह करते हैं और रास्ता बदल लेते हैं, इनके लिए भी ये आसान नहीं होता। शोबज में ऐसे कई नाम हैं जिन्होंने एक बार जो फैसला लिया दीन के रास्ते पर मुकम्मल तौर पर चलने का, तो इन्हें किसी ने पलटते नहीं देखा। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल पा ग्लोबल टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद और इंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। जी हां फ्रेंड्स, जिस तारे का आज हम सबसे पहले जिक्र करने जा रहे हैं वो है अजब गुल। पाकिस्तान टेलीविजन और फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही सीनियर नाम अजब गुल अचानक ही स्क्रीन से ऐसे गायब हुए कि लोग सोचते ही रह गए। अजब गुल ने किसी को नहीं बताया कि वो ऐसा कोई इरादा रखते हैं या इनके अंदरूनी को अंदर कोई जंग चल रही है, लेकिन उन्होंने प्रोजेक्ट्स के दौर से निकलकर अपना रास्ता बदल लिया और लोगों को अभी तक वजह नहीं पता थी, लेकिन असल में शोबज छोड़ने की वजह इनका रास्ता बदलना था। नंबर दो पर है पाकिस्तान की मशहूर सिंध की सिंगर शाजिया खुशक। सिंध की मशहूर गुलूकारा शाजिया खुशक को प्राइवेट हर इवेंट की जान माना जाता था, और जब तक वो अगर धूम नहीं मचाती थी तो महफल में रौनक नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह ने इन्हें ऐसी हदायत दी कि वो अपनी बाकी जिंदगी इस दुनिया से अलग होकर इस्लाम की खिदमत में लग गईं, और उन्होंने अपने फैन से भी कहा भी कि इनके साबित कदमी के लिए दुआगो रहें। ये छोड़ने के बाद इन्हें बाहर ममालिक से बड़ी बड़ी ऑफर्स आईं गाने की, लेकिन शाजिया खुशक ने अपने रास्ते को नहीं मोड़ा और अपने फैसले पर आज भी कायम है। नंबर तीन पर जिस तारे का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है नूर बुखारी। अदाकारा नूर बुखारी ने जिंदगी में जो भी फैसले किए इसे हमेशा तनकीद ही भी मिली। इनकी चार शादियों को लेकर वो हमेशा आवाम की तनकीद की जद में रही, लेकिन फिर आज उनकी बर्दाश्त ने जवाब दे दिया तो वली से अलहदगी के बाद उन्होंने शोबज से एक नाराकशी का बकायदा ऐलान कर दिया। उनका ये फैसला इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि जो रास्ता वो चुन रही हैं इस पर वही लोग आते हैं जो अल्लाह को पसंद होता है। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये हमारी छोटी सी काविश आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारा चैनल पा ग्लोबल टीवी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें ताकि इस तरह की मजीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।